वेलकम टू अक्षत सैनी ब्लॉग। और अभी टाइम हुआ है 10 o'clock। पापा हमें रात लेने के लिए आए थे। आज सुबह सुबह मामा और पापा का प्लान बना है एक पौराणिक स्थान जो कि महाभारत के समय का है, उस जगह का नाम है सुकरताल। आज हम आपको वहाँ के दर्शन करवाएंगे, तो चलिए चलते हैं सुकरताल। हम घर से निकल चुके हैं सुकरताल के लिए। दोस्तों, सुकरताल मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर और मेरठ से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। सुकरताल जाने के लिए आप अपने व्यक्तिगत वाहन से आसानी से जा सकते हैं। रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और बाई बस जा रहे हैं तो मुजफ्फरनगर बस अड्डे से नियमित बस सेवा है। सुकरताल के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर है। हम लोग बुढ़ाना से जा रहे हैं तो हमें 65 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और हम खतौली से नहर की पटरी का रास्ता हमने लिया है। रास्ते में ये जोली का एक छोटा सा डैम पड़ता है जहाँ पर हम लोग 5 मिनट के लिए रुके। तो चलिए चलते हैं। गए हैं सुकरताल। ये सुकरताल का भव्य गेट। और यहाँ से आपको दो रास्ते जाएंगे, एक तो सुकरदेव आश्रम जाएगा और एक रास्ता गंगा जी घाट पर जाएगा। तो हम लोग पहले गंगा जी घाट चलते हैं। ये है वाटिका। दोस्तों, आप लोग सुकरताल आए तो नक्षत्र वाटिका जरूर आइएगा। नक्षत्र वाटिका गंगा जी घाट से उसी रोड पर बस 5 मिनट की दूरी पर है। और इसमें वाटिका के बीचों बीच शिव जी की बहुत बड़ी एक मूर्ति बनी है जिसके चारों ओर 9 ग्रह स्थापित किए गए हैं। इस वाटिका में आपको बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे मिलेंगे। और यहाँ बच्चों के लिए सीमेंट से मूर्तियाँ बनाई गई हैं जो बहुत सुंदर लगती हैं देखने में। तो आप भी हमारे साथ आइए और नक्षत्र वाटिका में प्रकृति का आनंद लीजिए।
दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गंगा जी घाट पर। यहाँ पर एक टैंक कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में स्थापित किया गया है। घाट पर साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक है, अच्छे घाट बने हुए हैं। बरसात में तो यहाँ बहुत पानी आ जाता है, लेकिन अब चूंकि गर्मियाँ हैं तो अब पानी बहुत कम था। और सामने कुछ घाट जो नए बने हैं वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत अभी नए घाट भी बने हैं और अभी काम चल भी रहा है, और आप लोग यहाँ नौका का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ से कुछ ही दूर संगम है गंगा जी और सोलानी नदी का। संगम तक ये नाव जाती हैं और प्रति व्यक्ति 50 रुपये के किराया लेती हैं। हम लोगों ने यहाँ पर स्नान किया और अक्षत ने तो गंगा जी में खूब इंजॉय किया। और इसके बाद स्नान करने के बाद हम लोग जाएंगे मंदिर, और पास में ही शिव मंदिर है और वैष्णो देवी जी का मंदिर है, उस मंदिर में हम अभी जाएंगे। दोस्तों अभी हम आ गए हैं रत्नेश्वर शिव मंदिर में। यहाँ पर एक संस्कृत महाविद्यालय भी चलता है और यहाँ पर 102 फीट की शिव जी की प्रतिमा है। मंदिर परिसर में एक संस्कृत महाविद्यालय भी चलता है और छात्र यहाँ छात्रावास में रहकर संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब हम आए हैं दुर्गा धाम, जो रत्नेश्वर शिव मंदिर से आगे ही पड़ता है। और दुर्गा धाम में भी दुर्गा जी की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है और अंदर गुफानुमा मंदिर है। यहाँ पर दुर्गा के 9 स्वरूपों की को स्थापित किया गया है।
दुर्गा धाम के अंदर एक गुफानुमा शिव मंदिर भी है। इसमें शिव का पूरा परिवार विराजमान है।